जो कहते हैं कि इमाम सलाम ने तलवार नहीं निकाली बंदे कम थे नुसरत नहीं थी असहाब नहीं थे तो वो मैं आपके मौकब से बिल्कुल एग्री लेकिन जो सुनने वाले हैं उनके लिए के जो मौला इमाम हुसैन अल्लाम ने खरूज किया है मदीना से निकले हैं फिर मक् है, मक्का से फिर गए हैं तो फिर उधर जाके करबला पेश आई तो, आ, तो उनके पास भी बहुत कम इस पे थोड़ी थोड़ी। तो आपको पता, पता है कि इमाम हुसैन आलाम जब मक्के में थे तो उनको बेशुमार हजारों की तादाद में खत आए थे ना अमीराम जब मदीने में थे बकर के खिलाफ के साथ लोगों ने बेहत की उनके, उनको तो कोई ऑफर नहीं हुआ को, कोई कबीला ऑफर करे मदीने से बाहर के हम भाई हजार लोग हैं आप इधर तशरीफ़ इस तरह तो कोई नहीं है उनके उनके साथ तो कोई नहीं था इमाम हसैन आलतम के साथ ज़ाहिर में पूरा का पूरा खोफा ये वो खोफा उस ज़माने में सिर्फ शहर खूँफ़ा नहीं था ये पूरा रीजन खूफ़ा कहलाता था इराक़ का रीजन बसरा खूफ़ा इन इलाकों से हज़ारों हाँ की तादाद में ख़ता है कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हुकूमत आपकी क्योंकि उससे पहले इराक़ वाले लोग माविया को अच्छी नज़र से नहीं देखते थे इराक़ के लोग उससे पहले भी स्स्मान को अच्छी नज़र से नहीं देखते थे ना उस्मान को जो कत्ल किया है तो किन लोगों ने कत्ल किया है ये इराक़ के लोगों ने और मिस्र के लोग मुसलमानों ने इन्होंने मदीना गए और साहबा ने भी इनके साथ दिया है तो इन ने लोगों ने उस्मान को कत्ल किया था फिर उस्मान के बाद माविया ने जब अमीरमिया से बगावत किया है या जंग जमल में तो इराक़ के लोगों ने साथ दिया था तो ये लोग माविया के साथ सख्त दुश्मन इनकी तून था ना जंग सफ़ीन वगैरह में इनके माविया के साथ बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं तो इन्होंने ऑफ़र दिया था हज़ारों की तादाद में और फिर इमाम हुसैन आसमाम ने अपने भाई को बल्कि चचा के बेटे को मुस्लिम अबिन उन्हों को उन्होंने उन्हों भेजा था फूफा चेक करें आके okay. ये लोग क्या कह रहे हैं oh. वो गए थे तो उन्होंने उन लोगों ने उनके साथ बेत किया था, था और हज़रत मुस्लिम अबिन ने ख़त लिखा इमाम हुसैन आलम को कि यहाँ पे लोग आपको बहुत चाहते हैं सब लोग आपके साथ हैं उन्होंने मेरे साथ बेत किया है यहाँ पे जो दारखिला है इसमें गवर्नर है यजीद की जानब से लेकिन उसको हटाना बहुत आसान काम है आप तशरीफ़ लाएँ तो फिर इमाम हुसैन आलम आए थे अगर उस जमा लेकिन इमाम हुसैन आलम को बखूबी पता था कि मैं शहादत की तरफ जा रहा हूँ और ये लोग मुझे साथ नहीं देंगे और उस जमाने में बहुत सारे लोगों ने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कहा था अब्दुल्लाबन अब्बास ने कहा था अब्दुल्लि इबि उमर ने कहा था कि कूफ़े के लोग आपसे गद्दारी करेंगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खुद भी पता था मक्के से निकलते वक्त उन्होंने यही खुद बताया था कि मौत इंसान के लिए इज्जत की बात है और वह बार बार उन्होंने कहा था कि हम शहादत की तरफ जा रहे हैं लेकिन अगर इमाम हुसैन आसलम उस वक्त ना जाते हैं तो ये पहली बात यह थी कि वो वो उसकी मक्के में वो शहीद हो जाते क्यों यजीद ने वो हाँ, हज का मौसम से कुछ अयाम पहले था उसके बाद हज होने था हज के मौसम में यजीद ने वहाँ पे बहुत सारे हाजी भेजे थे असले के साथ कि हज के मनासिक में आप इमाम हसैन आम को शहीद कर दें कि किसी वक्त उनको शहीद किया और इमाम हसैन आलम नहीं चाहते थे कि वहाँ जो मौके का जो सरजमीन है वहाँ पर खून रेजी हराम है वहाँ पर वो वहाँ पे वो पर वो खून रेजी करें और फिर इसके अलावा फिर तारीख भी इमाम हसैन आल्लम की मजम्मत करती है फिर लोग यही कहते हैं कि भाई ये इनकी अपनी है कि जब इतने लोग आपके साथ थे हजारों के तहत और कुफे वाले भी ये कहता है कि अगर आप आ जाते तो हम साथ देते जब आए हैं ना तो साथ नहीं दिया लेकिन अगर वो ना आते और वो मक्के में शहीद हो जाते तो उस वक्त तो नहीं कहते ना उस वक्त क्या कहते हैं कहते वो खुद नहीं आए उनकी अपनी गलती है वो खुद नहीं, नहीं आए अगर आ जाते भाई मक्के में आपको क्या रहने की क्या जरूरत थी कोई वाजिब है मक्के में रह जब इतने लोग आपके साथ हैं आप आ गए मक्के में रहे वहाँ आपकी शहादत हो गई ठीक है ना तो आप आ जाते तो फिर लोग भी यही कहते हैं खुफे वाले भी मजम्मत करते हैं सब लोग मजम्मत करते हैं कि भाई यजीद की हुकूमत ख़त्म हो जाती ये खुद है ये ख़ुद अहलबैद की गलती है कि इन्होंने यजीद को हुकूमत करने दिया ठीक है ना तो इमाम हसैन अल्लम के पास कोई चारा नहीं था कोई चारा नहीं था सिवाए इसके मसल अगर रसूल पाक सल्लाम के ज़माने में ठीक है ना अब मक्के वाले उनसे बुराया कर रहे हैं मदी के मदीन लोगों ने मदी के लोगों ने उनको नुसरत का वादा दिया पैगम्बर सल्लम के पास और भी जगह नहीं है जाने के लिए ना सब लोग सब कबाइल मश्रक हैं सिर्फ सिर्फ मदीना में कुछ लोग मुसलमान हैं मदीना के लोगों ने उनको वादा दिया है कि हम आपको क्या करेंगे वा, वा, प्रोटेक्ट करेंगे मदीना वालों ने बेहत की पैगम्बर सल्ला वसलम से कि हम आपके okay. आपकी दिफा करेंगे और आपके बैत की दिफा करेंगे पहले हम मरेंगे और हमारे बैत मरेंगे फिर आपके बैत को कुछ होगा मदीना वालों ने इस तरह बेत किया था और तो रसूल पाक सल्ला वसम ने बेअत लेके मदीना थे अब फ़र्ज़ करें अगर मदीना वालों की बेअत जूठी निकल आती ना रसूल पाक सल्ला मक्के में अगर रहते है तो मक् में शहीद हो जाते वो वो इसलिए नहीं जाते कि भाई मुझे पता है कि मदीना वाले झूठ कह रहे हैं तारीख़ क्या कहती दुनिया वाले यही कहते हैं कि भाई आपके इतने सहाबित है वो आप, आपको वादा भी दिए थे मदीने में आप क्यों नहीं गए वहाँ पर ठीक है और तो रसूल पाक सल्लम ने हजरत किया था अगर इमाम हुसैन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो सिचुएशन है वो बहुत मुख्तलिफ है अमीर उलमिन से वफ़ात रसूल सल्लाम के बाद वफ़ात रसूल सल्लाम के बाद अमीर उमिन के साथ कोई नहीं था सिवाए चार पाँच लोग बहुत कम लोग बहुत कम लोग इमाम हसैैन आसलात तो और किसी ने आफ़र भी नहीं दिया था ऐसा नहीं था कि ज़ाहिर में लोग उनके साथ हैं कुछ भी ना ज़ाहिर न बातिन इमाम अलीमाम के पास साथ कोई नहीं है इमाम हुसैन आल्लाम जब मक्के में हैं तो उन्होंने किसी से तलब नसरत नहीं किया कि तुम मेरी मदद करो खुद लोगों ने जब उनको पता चला कि माओया मर गया है भाई इमाम हुसैन आसम मक्के में तो उन्होंने खुद अपनी तरफ से ख़ते भेजना शुरू कर दिया हज़ारों की तादाद में तो इमाम हुसैन आलम का सचुवेशन बहुत मुख्तलफ है वो उनका सचुवेशन किस तरह मिलता है जब अमीराम ने लोगों से बेत कबूल किया स्मान के कत्ल के बाद षमान का जब कतल हुआ है तो लोग सब आ गए अमीर उलमी आलम के बाद क्या आप खिलाफत कबूल करें वो कहते थे मैं खिलाफत कबूल नहीं करता मैं तु, मैं तुम्हें मशवरा ही दूंगा तुम किसी और से जाकर कर कर लेना उन्होंने कहा नहीं हम सिर्फ आपको चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा इसरार के बाद अमीर उमौन आलिया ने बेत कबूल किया जब लोगों ने आफ़र दिया है मदद की तो अमीर उलौी सलाम का ख़ुदबा है नाजलबला फ़ल्ला فلولا حضور الحاضر وقيام الحجه بوجود الناصر وما اخذ الله على العلماء لا يقار على كذه ظالم ولا صغب مظلوم لا القيت حبلها على غاربها ولا سقيت اخرها بكاس أفضلها فالفبتم ان دنياكم هذه ازهد عندي من عطفه انس يا أقر ايه لوج جو بي مجد مدد کرنے کے لولا حضور الحاضر یہ جو لوگ حاضر व्यामलत भी वजूद ना सर मुझ पर तमाम हो गई है हम सब लोग कह रहे हैं कि हम आपकी इताद करेंगे आप आए इस्लाम को नाफि करें आप आए शरीत पर अमल करें आप हुकूमत बनाएं तो हजरत मुझ पर तमाम हो गई और अल्लाह ने मुझसे वादा लिया है कि मैं ालिम की मुखालफत करूँ और मज़लूम की मैं मजलूम का हक िम से ले लूँ अगर इस तरह ना होता तो फालई तो हबल हाला मैं इस खिलाफत के ऊंट के लगाम को इसके कुहान पे डाल देता बोला सक़ तो आखिर हाँ बे क्या से अव्वल हाँ और मैं जैसे पहले ज़माने मैंने मेरे खिलाफत मुझे नहीं मिले मैं घर में सब्र किया मैं इसी तरह सब्र करता हूँ मैं आखिर वाले को वही पानी पिलाता जो इस तरह मैंने पहले वाले को पानी पिलाया और उस वक्त तुम 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 देख लेते कि तुम्हारी जो दुनिया है मेरे नज़दीक जो बकरी के नाक में जो नम होता है ना पानी होती है उसके नाक में वो वो कोई कोई अच्छी चीज़ नहीं होती उस उससे कोई इंसान रगबत नहीं रखता यानी बकरी है बकरी के नाक में जो नम है वो तो वो तो कोई तुम देख लेते कि तुम्हारी दुनिया मेरे लिए उससे ज़्यादा जो है गैर गैरमतलूब है बकरी के नाक में जो नम है जो गंदगी है उससे ज़्यादा मेरे लिए गैर मतलूब है तुम दुनिया से मुझे मोहब्बत नहीं है तो इमाम इमाम हसैन असलाम पे इस तरह हुआ था कि लोगों का अपना इशरार था कि तुम कबूल करो अब इमाम हसैन आसलम रास्ते में आ गए लोगों ने लोगों का तरीक़ार बदल गया लोग जो है फिर गए सिवाय कुछ लोगों के अक्सर लोग फिर गए उनको अपने वादे अपने खतूत सब भूल गए मुस्लिम अकील को भी शहीद कर लिया लोगों ने और फिर हुसैन आलाम को भी रास्ते में गद्दारी के साथ शहीद किया गया ओके ये क्लियर हो गया पॉइंट बहुत शुक्रिया जान आपने कर जूम जाओ शियो जूम जाओ परवाज करो क्यों फخر से सर उठा क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इंतखाब किया सरात हक पर सिर्फ तुम हो सरात ईमान पर सिर्फ किया क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इंतखाब किया सरात हक पर सिर्फ तुम हो सरात ईमान पर सिर्फ